नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। घोसपुकुर चौकी की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बीती रात 26 लाख रुपए के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि पुलिस को कल गुप्त सूत्र से सूचना मिली थी कि कुछ लोग कई इलाकों के साथ एक जगह पर खड़े हैं। इसके बाद घोसपुकुर थाने की ओसी चित्तरंजन घोष समेत पुलिस कर्मी वहां पहुंची और 5 लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद उनके पास मौजूद एक बैग से 26 लाख बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास रुपये को लेकर वैध कागजात नहीं थे। देश में आचार संहिता लागू है और ऐसे में इतने रुपये की बरामद बेहतर खास है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अनिल छेत्री 35 वर्षीय, अशोक दास 52 वर्षीय, राणा गुरुंग 27 वर्षीय, पिंटू जयसवाल 25 वर्षीय, उन्चिर एकाई 44 वर्षीय और जस्टिन टोपो 26 वर्षीय शामिल है। सभी घोसपुकुर इलाके का निवासी है। गिरफ्तार लोगों को आज सिलगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। घोसपुकुर चौकी की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है कि ये पैसे किस उद्देश्य से लाया गया था। बीएसएफ ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक को सद्भावना के तौर पर बीजीबी को सौंपा। सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरी भारत बांग्लादेश सीमा पर श्री सूर्यकांत शर्मा महानिरीक्षक उत्तर बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के नेतृत्व में मुस्तैदी से तैनात है, ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों की तस्करी और घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल किया जा सके। रविवार को लगभग 9:30 पर एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात उत्तर बंगाल फ्रंटियर के किशनगंज सेक्टर के अंतर्गत बीएसएफ की 72 बटालियन की बीओपी कैलाडांगी के सतर्क सीमा प्रहारियों ने एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नबीरुल इस्लाम, जिनकी उम्र 27 वर्ष, पुत्र मोहम्मद युसीन अली निवासी ग्राम नंदगांव थाना हरिपुर जिला ठाकुरगांव को उस समय गिरफ्तार किया। उसको उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के निकट कैलाडांगी गांव के सामान्य क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहा था। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक ने खुलासा किया कि वह अपनी आजीविका के लिए 6 मई 2024 को अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पार किया था। उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक को सद्भावना संकेत के रूप में कंपनी कमांडर स्तर की फ्लैंक मीटिंग के दौरान उचित रसीद पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया गया है। बीएसएफ द्वारा पकड़े गए कुल 14 बांग्लादेशी नागरिकों को उत्तर बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के क्षेत्र से 1 जनवरी 2024 से 13 मई 2024 तक सद्भावना संकेत के रूप में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पार करते समय एक गाड़ी की चपेट में आने से तृणमूल कांग्रेस बूथ अध्यक्ष जगन्नाथ दास की मौत हो गई। इस घटना से मेंदगुरी ब्लॉक के टेटाटोली इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात करीब 10:30 राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर टेटाटोली बस स्टेशन से सड़क पार करने के दौरान एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। बूथ सभापति जगन्नाथ दास वहीं गिर गए। उसे तुरंत बचाया गया और मेंदगुरी ग्रामीण अस्पताल लाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी मुर्दाघाट भेजने की व्यवस्था की। मालूम हो कि जगन्नाथ दास मेंदगुड़ी नंबर 1 में तृणमूल कांग्रेस के बूथ नंबर 16/165 के बूथ अध्यक्ष थे। अपने पीछे वो अपने 2 बेटे और पत्नी को छोड़ गए हैं। इस घटना से इलाके में मातम छाया हुआ है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, कई घायल। पुराने जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, इसमें कई लोग घायल हो गए। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के माटीकुंडा 1 नंबर ग्राम पंचायत के बेनाबाड़ी चापासाड़ इलाके में हुई है। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया। मालूम हो कि शाह आलम का पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स। विवाद चल रहा है, सच्चाई का आईना सुलझाने के लिए कई बार मध्यस्थता हुई है, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हुआ। आरोप है कि रविवार की सुबह जब शाह आलम के लोग जमीन जोतने गए तो इसरूल हक के लोगों ने उन्हें रोका। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के बाद झड़प शुरू हुई। झड़प में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज इस्लामपुर महकमा अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों इस जमीन को अपनी जमीन होने का दावा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर इस्लामपुर थाने की पुलिस मौके पर गई और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। डेंगू और कीट जनित बीमारियों से निपटने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम ने हुई बैठक। सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर
डेंगू और कीट जनित बीमारियों को नियंत्रित करने और किसी भी आपदा से निपटने पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स। सच्चाई कहाँ है ना, फैलने से पहले उनको कैसे रोका जाए, इस बैठक में चर्चा की गई। सिलीगुड़ी नगर निगम के सभा कक्ष में हुई बैठक में DFO DI मुंशी प्रेमचंद कॉलेज और सिलीगुड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल, PHE विभाग के अधिकारी, NBCD और सिंचाई विभाग के अधिकारी, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन के सदस्य, सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स। सच्चाई का आईना।